स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। तो इससे पहले 8.1 कंप्लीट हो चुका है, आप अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको 7, 8, 9, 10 सबका वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं ना। आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 8 क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हल कीजिए। तो क्या हल करना है, तो क्वेश्चन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। तो इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करके हमको x जो दिख रहा है, यानी जो भी वेरिएबल दिखेगा, x, y, z या p, q, r, s, t कुछ भी रहे वेरिएबल यानी चार पद, तो उसका हमको वैल्यू इसमें फाइंड करना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस है, इधर प्लस है, और ये भिन्न में दिख रहा है ना। तो भिन्न में माइनस प्लस है, तो क्या करेंगे, तो भिन्न जोड़ को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, इसको तो पहले ही बता चुके हैं। दो मेथड है, या तो इसको तिरछा तिरछी गुना करके या फिर एलसीएम निकाल करके, है ना। तो चलिए इसको तिरछा तिरछी गुना करके सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ भिन्न में है, एक तरफ माइनस करना है एक तरफ प्लस करना है। तो तिरछा तिरछी गुना होगा, यानी ये 5x से गुना होगा, तो 5x हो जाएगा। फिर माइनस बीच में, तो बीच में माइनस लगाएंगे। फिर 2 और 1 गुना होगा, तो 2 × 1 = 2। और नीचे नीचे गुना हो जाता है, तो 5 × 2 = 10 हो गया नीचे, ठीक है। फिर बराबर का साइन है, तो बराबर लगाएंगे। फिर इसको भी वैसे ही तिरछा तिरछी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 और x मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 3 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 3, और नीचे 4 × 3 = 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड में है, तो इसको सीधा करेंगे तो कैसे होगा। तो ये देखिए, इधर डिवाइड में है 12, तो इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 10 इधर डिवाइड में है, तो इसको बराबर से उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई, है ना। तो चलिए करते हैं, 5x - 2 रहने देते हैं × 12, चूँकि 2 इसमें पद है इसीलिए ब्रैकेट लगा करके इंटू लगाएंगे, है ना। अगर सिर्फ गुना चिन्ह लगा करके लगाएंगे तो फिर 2 से सिर्फ गुना होगा, हमको तो गुना दोनों से करना होगा, है ना, क्योंकि 2 पद है इधर। तो ऐसे ही इधर भी 4x + 3 ब्रैकेट लगाएंगे, तब फिर इसको लिखेंगे 10, यानी ये मल्टीप्लाई में आ गया इधर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 × 5 = 60 हो गया, और x है तो x, फिर 12 × 2 माइनस में है -24। इधर भी गुना करें, 10 × 4 = 40x प्लस में है, प्लस लगाएंगे, 10 × 3 = 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब x x को एक तरफ कर देंगे ताकि जोड़ने में आसानी होगा, 60x, और ये 40 प्लस में है तो इधर आएगा, तो -40x = इधर है 30, ये माइनस में है, इधर आएगा तो +24। अब जोड़ देते हैं इसको, तो 30 और 20 = 50 और 4 = 54 हो गया इधर। और इधर देखिए, 60x में 40x घटाएंगे तो 20 × x बचेगा, तो 20x लिख देंगे। फिर x बराबर हो जाएगा 54, 20 गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं, तो 2 × 4 = 2, 7 = 14, और इधर है 2 × 20 कट गया, तो क्या बच गया, 27/10। अब 27 को 10 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 2.7। अब भाग देके देख सकते हैं, या नीचे 1 0 है, यानी 1 पॉइंट बाद, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x का वैल्यू, तो यही हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। x, y, z कुछ भी रहे, कुछ भी वेरिएबल दिया हो रहा है, चार पद रहे, तो उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। अब ये भी दिख रहा है भिन्न में, तो इसको भी कर देते हैं भिन्न में, यानी 1 नीचे लगा देते हैं कुछ नहीं, तो अब फिर से भिन्न जोड़ दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे, वही तिरछा तिरछी गुना, 1 को 2x से गुना करें तो 2x ही रहेगा, प्लस 3 × 3, और नीचे हो जाएगा भी 3 × 3। इधर भी वैसे ही गुना करेंगे, 7 और x से गुना हुआ तो 7x हुआ, प्लस 15 × 45, और नीचे है 15 × 15, ठीक है। फिर वही काम अगला में, ये भाग में उसको गुना में, ये भाग में उसको उधर गुना में, ठीक है। तो चलिए इसे इधर ले आते हैं, 2x + 3 × 15 = 7x + 45 × 3 इधर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 30x + 15 × 45 बराबर 7 × 21x प्लस, इसको 45 से 3 से गुना करें 45 को, तो क्या हो जाएगा, 5 × 15 = 12 और 1 = 13।
फिर एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे तो 30x ये प्लस में इधर कर देते हैं तो माइनस में 21x बराबर इधर है 135, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस। अब इसको घटाएंगे तो 5 में 5 0 हो गया और 13 में 8 4 घटाएंगे तो 9 4 13 9। अब 30 में 21 घटाना है तो कितना बच जाएगा, 9 बन जाएगा और x है साथ में तो x। अब फिर से x 9 गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर काट देंगे तो 9 91 और 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो यही x का वैल्यू फाइंड करना था जो कि निकल चुका है, आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो नीचे एक लगा देते हैं और इसको भी तिरछा तिरछी कर देते हैं। इसमें देखिए 3 है तो 3 में तो तिरछा तिरछी करना संभव नहीं है, तो या तो तीनों का एलसीएम निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं, या अगर तिरछा तिरछी करना है तो दो दो करके करना होगा, ये दोनों को करना होगा तब ये दोनों का आंसर आएगा, तब फिर इसको इससे करना होगा। तो इससे अच्छा है कि एलसीएम निकाल के कर देते हैं एक ही बार, है ना। तो एलसीएम निकालते हैं कि इसका हर का, तो हर का एलसीएम निकाले तो 1, 3 और 2 है, तीनों अलग अलग है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, है ना। एलसीएम निकाल के भी देखें तो ये 3 × 1 = 3, 2 उतर जाएगा, फिर 2 × 1 = 2, यानी 3 × 2 = 6 आ गया एलसीएम। तो इसका एलसीएम लिख देंगे नीचे 6। अब क्या करते हैं, एलसीएम को इसका हर से भाग देते हैं, जो भी इसमें रहे पद उसका हर से, तो इसका हर कितना 1, तो 1 को 6 से भाग देंगे ऐसा, तो 1 × 6 = 6 बार होगा। फिर इसका ऊपर वाला जितना रहेगा उसको गुना कर देते हैं 6 से, तो ऊपर कितना है सिर्फ 1 से है, तो 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, हर को भाग देंगे यानी 3 को भाग देंगे 6 से, तो 3 × 2 = 2 आएगा, फिर 2 को ऊपर वाला से गुना तो ऊपर है 8x, तो 8x गुना हुआ तो 8 × 2 = 16x, तो यहाँ लिख देंगे 16x। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर वही काम, नीचे वाला को भाग, हर को भाग देंगे 6 से, तो 2 × 3 = 6 = 3 आएगा, और 3 को गुना कर देंगे इसका आंसर से, तो आंसर है 5x, तो 5 × 3 = 15x हो गया। ठीक है, और इधर है 15, इसको उतार देंगे। उसके बाद जोड़ते हैं अब या घटाते हैं, तो यहाँ माइनस दिख रहा है तो माइनस होगा, 16 × 6 तो कितना 10x, अब बड़ा में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। फिर है प्लस 15x, इसको रहने देते हैं अभी। अब देखिए 6 भाग में, इसको इधर कर देते हैं तो ये गुना हो जाएगा 15 × 6, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो घटावें इसको, 15 × 10 तो 5x, बड़ा में प्लस इसलिए प्लस लगेगा, इधर गुना करेंगे तो 15 × 6 कितना होता है 90, 15 × 6 = 90। अब x बराबर क्या हो जाएगा 90/5, काटें इसको तो 5 × 5 = 5, 5 × 8 = 40, यानी x का वैल्यू आ गया 18, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 2x - 1/3 माइनस 6x - 2/5 इज इक्वल टू 1/3। तो यह भी भिन्न में दिख रहा है, फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना। अब इसमें देखिए 2 पद है एक ही में, तो ये दोनों से गुना होगा, 5 जो है वो दोनों से, ये 3 भी ये दोनों से गुना होगा क्योंकि 2 पद है एक साथ, है ना। तो गुना करें तो 5 × 2 = 10x हो गया, फिर 5 × 5 और माइनस में तो -5, इससे हो गया गुना। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना, क्योंकि माइनस में जब भी रहे और 2 पद रहे आगे लिखना तो माइनस में लगाते हैं, अगर माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। पहले ही बताए थे कि जब भी माइनस करना हो और माइनस के आगे 2 पद लिखना हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखे, उसके बाद फिर ब्रैकेट हटाएंगे, है ना। तो ये 3 को गुना करें तो 3 × 6 = 18x, यही 3 को फिर 2 से गुना करें तो 3 × 2 = 6, ठीक है। और नीचे नीचे गुना होगा तो 5 × 3 = 15 और इधर है 1/3। अब इसका ब्रैकेट हटा लेते हैं, चलिए 10x - 5 ये रह जाएगा, ये माइनस प्लस -18x और ये माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3 है और ये 15 भाग में इधर आएगा तो गुना होगा, तो ये कट जाएगा 5 × 3 = 15। अब ब्रैकेट क्यों लगाए थे वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस दोनों के साथ है तो माइनस यहाँ हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तब तो माइनस इसके साथ सिर्फ रहता, इसके साथ नहीं होता, तो ये गलत हो जाता है ना। अब देखिए एक्स एक्स वाला को जोड़ देते हैं, या घटाना होगा तो घटाएंगे, प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 18 में 10 घटाएंगे तो 8 बच गया और बड़ा में माइनस इसलिए -8x। अब ये घटेगा माइनस प्लस माइनस, 6 में 5 घटावे तो 1 और बड़ा में प्लस इसलिए +1 बराबर इधर बचा हुआ है 5। अब ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर कर देते हैं तो 5 - 1 तो बच गया क्या 4।
और ये 8 को इधर कर देते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। माइनस 8 पूरा ले आते हैं तो माइनस 8 नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो 4 का 4 4 दुनिया 8, यानी आया कितना माइनस 1/2। अब इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, और माइनस में इसमें माइनस, यानी x का वैल्यू आ गया हमको 0 - 0.5। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसमें भी फ्रैक्शन है तो इसको भी वही काम, तिरछा तिरछा गुना करें, और दो पद है तो दोनों से गुना करेंगे, यानी 3 तिया हो जाएगा 9l, माइनस में तो माइनस, 3 दूनी 6, फिर माइनस है तो माइनस लगा कर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 चौके 8l प्लस 4 तिया 12, और नीचे नीचे गुना होगा तो नीचे 4 तिया 12। अब इधर भी देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा के यहाँ भी तिरछा तिरछी करना होगा, तो 2 एका 2 माइनस 3 और l गुना होगा तो 3l बटा नीचे 3 एका 3, ठीक है। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं या उधर ले जाकर काटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ब्रैकेट हटाएंगे पहले, 9l माइनस 6 माइनस 8l और ये माइनस प्लस माइनस 12l, इधर है 2 - 3l, इसको तो कुछ नहीं होगा रह जाएगा / 3, और ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। अब इसको काट देते हैं, 3 चौके 12, यानी ये मल्टीप्लाई में 4 आया 4 को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों से, और इधर जो घट रहा है जुट रहा है तो जोड़ते हैं, 9l में 8l माइनस है तो माइनस होगा तो 1l बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 6 घट जोड़े माइनस माइनस प्लस तो जोड़ेंगे तो 12 6 18, चूँकि दोनों माइनस है इसलिए -18। और इधर क्या हो गया, 4 को 2 से गुना करना होगा तो 8, फिर 4 को 3 से गुना करना होगा तो 4 तिया 12 और l है, फिर l को एक तरफ करें तो l ये माइनस में तो प्लस 12 l इज इक्वल टू इधर 8 बच गया, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 18। जोड़ देते हैं 12 और 1 13l बराबर 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26, और इसको काट देंगे 13 दूनी 26। डायरेक्ट काट सकते हैं या गुना है तो इधर भाग में करके तब काटे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो l का वैल्यू कितना आ गया हमको, 2 आ गया, यही हो गया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ये है 6 नंबर, इसमें वो यही करेंगे, तिरछा तिरछी गुना 4 दूनी 8n 4 तिया माइनस में तो -12, फिर माइनस तो माइनस ब्रैकेट लगा करके 2 तिया 6n और 2 8 16 माइनस में तो -16 बटा नीचे गुना होगा तो 4 दूनी 8, और इधर तो कुछ नहीं करना है बस उतार देंगे ये 8 भाग में, उधर कर देंगे तो गुना हो जाएगा। उसके बाद बाकी को सॉल्व करते हैं, तो 8n माइनस 12 ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो -6n, ये माइनस माइनस प्लस 16 बराबर n माइनस 1 बाई 3, और ये डिवाइड वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 8n में 6n घटेगा तो हो जाएगा 2n, और ये भी माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 16 में 12 घटेगा तो 4 बचेगा, और चूंकि बड़ा में प्लस है इसलिए प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3 भाग में, इधर तो कट नहीं रहा है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 3 गुना में आ जाएगा, तो इधर बच गया, इसको गुना कर देते हैं, 8 और n गुना होगा तो 8n माइनस 8 का 8, फिर इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6n प्लस 3 चौके 12, इधर तो उतर जाएगा, n को एक तरफ अप करेंगे तो 8n ये माइनस प्लस में तो इधर आएगा तो -8n बराबर -8 बच गया, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो -12, तो 6n में 8n घटाएं तो क्या बच जाएगा, 2n बड़ा में माइनस इसलिए माइनस, और इधर माइनस माइनस प्लस, यानी 8 12 में 8 जोड़े तो 20, और चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा। अब इसको काट देंगे तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, और 2 दाइयाँ 20 10 बार में कट जाएगा, यानी n का आंसर आ गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, दूसरा भी हल करना है, यानी इसको भी सॉल्व करके हमको एक्स वाई जो दिखेगा उसका मान निकालना है। तो पहला है 5 × y - 3 इज इक्वल टू 3 × 2y + 1, यानी इसमें मल्टीप्लाई में है तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5y मल्टीप्लाई हुआ था 5y माइनस है तो -5 = 15, फिर इधर भी गुना करें 3 × 6y और 3 एका 3, अब y को एक तरफ कर देंगे तो देखिए 5y ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -6y बराबर 3, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो
प्लस 15। अब भी 5 में 6 घटावे तो एक वाई बचेगा, तो वाई सिर्फ लिखेंगे, बड़ा माइनस है तो माइनस वाई, बराबर इधर जोड़ है तो 15 और 3 18। अब माइनस को उधर कर देते हैं यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 18, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं इसी का, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 15x-4 -2x-9 + 5x + 6 = 0। तो चलिए इसको भी गुना करेंगे, 15 और x गुना होगा तो 15x - 15 और y गुना हो 4 है, 4 गुना होगा तो 15 × 4 = 60। फिर यहाँ गुना दिख रहा है, यहाँ भी गुना करें तो माइनस भी गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, 2 और x गुना होगा तो 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 × 9 = 18। फिर यहाँ गुना होगा प्लस 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 5 और x गुना होगा तो 5x, फिर प्लस 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 5 और 6 गुना होगा तो 5 × 6 = 30, बराबर इधर 0 है, ठीक है। अब x x को जोड़ घटाव करते हैं और नंबर नंबर को एक साथ, तो ये 15x में 2x माइनस दिख रहा है तो घटा देते तो कितना बच जाएगा, 13x, 15x में 2x घट गया, 13x बच गया। अब x वाला को साथ में लिखते हैं, 5x बचा हुआ जिसको साथ में लिख देंगे तो अभी जोड़ने में आसानी होगा। अब उसके बाद फिर इसको रहने देते हैं -60 को और इसको जोड़ देते हैं, ये आसान है जोड़ने में, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस होता है, तो 30 और 18 जोड़े तो 48, तो प्लस 48, ठीक है, बराबर 0। अब फिर से यहाँ जोड़ दिख रहा है तो 13 में x में 5x, 13 × 5 = 18x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाएंगे तो 60 में 48 घटाएं तो कितना बच जाएगा, 2 इधर इधर बच गया 5, 5 में 4 = 1, 12 बचेगा, ठीक है। और चूंकि बड़ा में माइनस इसलिए -12 हो गया और इधर 0। अब 18x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, फिर x बराबर हो जाएगा 12, ये गुना तो इधर आके भाग में। अब इसको काट देते हैं तो 6 3 4 12 और इधर 3 6 18, फिर 2 2 4 2 3 6, तो क्या बच गया, ऊपर 2 नीचे 3, तो x का वैल्यू आ गया 2/3, ठीक है, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.25 × 4f - 3 = 0.02 × 10f - 9। और दो क्वेश्चन है तो 3 4 छोड़ दिए हैं, वो उसको आप अपने से कर लीजिएगा, जस्ट इसी के जैसा है, और एक पॉइंट में है तो पॉइंट वाला भी बता दे रहे हैं, तो आप उसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा तो ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अगर सबको हम ही बता देंगे तो आप सिर्फ उतार दीजिएगा तो आपको लगेगा समझ में आया, लेकिन फिर नया क्वेश्चन आएगा तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अपने से बना के देखें, और अगर ना बने तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं तो हम उसको भी अगला वीडियो में डाउट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी गुना करते हैं तो 0.25 है, 25 है ना, इसको गुना करना है 4 से, तो देखिए 25 × 4 कितना होता है 100, तो लिख देंगे 100। अब देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है, 1 2 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी इसको सही से लिखे तो क्या हो जाएगा 1.00, तो 0 0 पॉइंट के बाद 0 0 का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यानी सिर्फ 1 लिख सकते हैं, और साथ में f है तो f लिख देंगे, तब यहाँ पे 1 भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ f लिखेंगे, है ना, या 1 लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। माइनस फिर 25 को 3 से गुना कर देते हैं, 25 × 3 = 75। अब 2 अंक बाद पॉइंट है तो फिर से 1 2 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 0.75, ठीक है। इसी तरह इधर भी गुना करें तो 2 को 10 से गुना करना होगा, तो 10 × 2 = 20, पॉइंट है 2 अंक बाद, तो 1 2 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं, और साथ में f है तो f, फिर माइनस है माइनस, फिर इसी से गुना होगा 9 × 2 = 18, और फिर से 2 अंक बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। और फिर f f एक तरफ कर दें तो ये f, ये प्लस में तो इधर -0.20f, बराबर इधर माइनस में है 0.18, ये माइनस में इधर आएगा तो +0.75। अब इसको माइनस करना है, 1 में माइनस करेंगे 0.20 तो कितना होगा, तो यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, 1 पॉइंट कुछ नहीं तो 0 0 लगा देते हैं, और इसमें माइनस करना है 0.20, तो क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ 10 में 2 तो 8, और इधर पॉइंट यहाँ 0, तो 0.80 बचेगा, 80, तो लिख देंगे यहाँ 0.80f,
ठीक है। और देखिए 1 है यहाँ और यहाँ 0.2 है, यानी बड़ा ये है, ये पॉइंट में है 0 पॉइंट और ये एक पूरा है, तो ये बड़ा है यार बड़ा में प्लस, इसलिए प्लस लगेगा। और इधर फिर माइनस प्लस माइनस, यानी इसको भी घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये 0.75 या 18, तो 75 बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे और माइनस कर देंगे 0.18, तो क्या हो जाएगा 15 में 8 7 बचेगा, 6 बच गया यहाँ, 6 में 1 तो 5 पॉइंट है इधर 0, यानी 0 पॉइंट आ गया 5 7 और बड़ा में प्लस, इसलिए प्लस लगेगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो गया, इधर है 0.57 डिवाइड में आ जाएगा ये 0.80। अब देखिए पॉइंट के बाद सेम अंक डिजिट है, दो डिजिट है यानी दो अंक है, ऊपर भी पॉइंट के बाद दो अंक है, यानी ऐसा होने से क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर बराबर अंक है तो पॉइंट पॉइंट कट जाता है, यानी यहाँ बच गया सिर्फ 57/80। अब इसको काट देते हैं, कितना से कटेगा या नहीं कटेगा तो यही आंसर लिख देंगे, तो कटने जैसा तो नहीं लग रहा है, तो नहीं कटेगा तो यही आंसर लिख देंगे। एफ इज इक्वल टू कितना, 57/80, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में दिया हुआ है, उसको ऐसा इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, और अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।